तो अभी हम लोग जो है टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़े कि स्प्रिंग का डिफरेंट डिफरेंट टर्मिनोलॉजी, जिसमें स्मॉल डी जो है यहाँ पर वायर डायमीटर को रिप्रेजेंट किए, जो स्प्रिंग क्वाइल का में जो यूज होता है वायर उसका डायमीटर को हम स्मॉल डी से, और कैपिटल डी जो है ये मीन क्वाइल डायमीटर है, सी क्या है स्प्रिंग इंडेक्स है, जो कैपिटल डी बाय डी यानी कि मीन क्वाइल डायमीटर बाय वायर डायमीटर का ये रेशियो है, स्प्रिंग इंडेक्स कहलाता है। अब हम लोग इस स्प्रिंग के ऊपर जो है स्ट्रेस एनालिसिस करेंगे, कि चूंकि स्प्रिंग का यूज हम लोग जैसे देखे कि शॉक वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब करने के लिए करते हैं, एनर्जी को स्टोर करने के लिए करते हैं, और तीसरा एप्लीकेशन है कि फोर्स को अप्लाई करने के लिए या कोई कंट्रोल मोशन को अप्लाई करने के लिए हम स्प्रिंग का यूज करते हैं। तो जब एक स्प्रिंग के ऊपर लोड अगर हम एक्ट करते हैं और स्प्रिंग में डिफ्लेक्शन होती है, तो स्प्रिंग की भी अपनी एक क्या है क्षमता है कि वो भी एक लिमिटिंग लोड वैल्यू तक को ही वो एब्जॉर्ब कर सकता है या उसको वो कैरी कर सकता है। अगर ज्यादा हैवी लोड लगा देंगे तो स्प्रिंग जो भी ब्रेक कर सकता है ना। तो जिस पार्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए हम स्प्रिंग का यूज कर रहे हैं उसमें जो लगने वाला लोड है, क्योंकि वो कोई भी स्प्रिंग हो उसके ऊपर लोड लगेगा तो वो डिफ्लेक्ट करेगी, और वो अपना डिफ्लेक्शन से ही वो इनर्जी को जो जिसको हम स्ट्रेन इनर्जी कहते हैं वो एब्जॉर्ब करके, और चाहे वो शॉक वाइब्रेशन हो या फोर्स हो उसको वो एब्जॉर्ब करके, और जो मतलब हमारा एप्लीकेशन है उसको वो में यूज होता है। तो अब हम स्ट्रेस एनालिसिस करते हैं कि जब एक स्प्रिंग क्वाइल के ऊपर एक लोड एक्ट होती है तो उसमें किस तरह का स्ट्रेस डेवलप होता है और क्या उसकी लिमिटिंग वैल्यू है। तो जैसे कि यहाँ पर एक फिगर में दिख रहा है कि ये एक क्या है क्लोज्ड क्वाइल हेलिकल स्प्रिंग है, ये क्या है एक क्लोज्ड क्वाइल हेलिकल स्प्रिंग है, और ये एक उसका सॉलिड लेंथ है चूंकि इसमें पूरी क्वाइल जो है एक दूसरे के ऊपर कांटेक्ट में है, ये मे भी थोड़ा सा ओपन भी हो सकता है। तो चाहे क्लोज क्वाइल हो या ओपन क्वाइल हो, ओपन क्वाइल में थोड़ा सा स्ट्रेस एनालिसिस अलग हो जाता है, लेकिन मोस्टली हम लोग जो है क्लोज क्वाइल हेलिकल स्प्रिंग को ही यहाँ पर हमारे सिलेबस में दिया हुआ है, और क्लोज क्वाइल हेलिकल स्प्रिंग में ही हमें स्ट्रेस एनालिसिस करना है। तो जैसे कि ये एक क्लोज क्वाइल हेलिकल स्प्रिंग है जिसमें डी कैपिटल डी मीन क्वाइल डायमीटर है और डी वायर डायमीटर है, और एन एन क्या है तो नंबर ऑफ एक्टिव क्वाइल है। एक्टिव क्वाइल मतलब जिस क्वाइल के ऊपर लोड का इफेक्ट है वो क्वाइल की संख्या को हम लोग कैपिटल एन से रिप्रेजेंट किया है, और पी यहाँ पर क्या है कोई एक एक्सियल फोर्स एंड स्प्रिंग। ये एक्सियल फोर्स में भी टेंसाइल भी हो सकता है और में भी कॉम्प्रेसिव भी हो सकता है, तो दोनों के लिए सिमिलर केस होगा। लेकिन जनरली अगर क्लोज्ड क्वाइल हेलिकल स्प्रिंग है तो क्लोज्ड क्वाइल हेलिकल स्प्रिंग का यूज हम लोग जनरली टेंसाइल लोड को एब्जॉर्ब करने के लिए करते हैं, और जो ओपन क्वाइल होता है उसका यूज हम लोग कॉम्प्रेसिव फोर्स को कैरी करने के लिए करते हैं, क्योंकि जो ओपन होगा उसी में ना हम यहाँ पर कॉम्प्रेसिव फोर्स लगाएंगे तब जा करके ये डिफ्लेक्ट करेगा। यहाँ पर जो दोनों का गैप है ये गैप डिफ्लेक्शन से कम होगा और वो अपना लोड को एब्जॉर्ब करेगा, और इसमें तो पहले से ही ये क्वाइल एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में है तो फर्दर कॉम्प्रेशन इसका पॉसिबल ही नहीं है, है ना। ये भी एक अब सॉलिड बार की तरह बिहेव करने लगेगा अगर कॉम्प्रेसिव लोड लगाएंगे तो, इसीलिए इसमें हम टेंसाइल लगाते हैं तो फिर ये हमें स्प्रिंग एक्शन देता है। तो अब देखिए यहाँ पर कि स्प्रिंग में होता क्या है कि जब मान लीजिए कि एक 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 यहाँ पर हुक लगा हुआ रहता है, एक एक तरफ हम लोग फिक्स कर दिए और दूसरी तरफ यहाँ पर टेंसाइल लोड लगाए, तो ये अभी क्या है हेलिकल क्वाइल के रूप में ये ट्विस्टेड है, और जैसे ही इस पर हम टेंसाइल लोड लगाएंगे तो ये हेलिकल क्वाइल जो है वो अनक्वाइल होना चाहेगा। अनक्वाइल मतलब वो क्या हो गया कि पहले जो ये क्वाइल ऐसे सर्कुलर रूप में मुड़ा हुआ है
वो अब स्ट्रेटेन होना चाहेगा। स्ट्रेटेन मतलब क्या हो गया, ये क्वाइल जो है वो सीधा होना चाहेगा इस टेंसाइल लोड के कारण। अगर बहुत ज्यादा अगर हम यहाँ टेंसाइल लोड लगा देंगे तो ये जो अभी हमको क्वाइल के रूप में स्प्रिंग दिख रहा है वो बिल्कुल ये सीधा हो जाएगा, तो फिर ये हमको एक बड़ा सा क्या, एक मतलब वायर की तरह, हमको एक स्ट्रेट वायर की तरह फिर हमको ये क्या होगा दिखने लगेगा, जब इसके ऊपर बहुत ही ज्यादा मतलब हम लोग इस पर लोड लगा देंगे। तो ये स्ट्रेट वायर जो बन गया वो बेसिकली ये क्वाइल जो है वो सब सीधा हो गया, स्ट्रेट हो गया, इस कारण से ये पूरी मतलब ये स्ट्रेट हो गया। तो हम इसके ऊपर उतना ही लोड एक्शन देते हैं जितना कोई ये स्प्रिंग बैक कर सके, क्योंकि इसमें भी परमानेंट डिफ्लेक्शन होता है, और परमानेंट डिफ्लेक्शन अगर होते जाएगा लगातार तो फिर ये स्प्रिंग जो है वो स्प्रिंग की तरह बिहेव करना बंद कर देगा, है ना। तो इसीलिए एक लिमिटिंग वैल्यू तक लोड लगाते हैं, उतना तक कि जिसमें इसमें इलास्टिक डिफ्लेक्शन ही हो सके, और इलास्टिक डिफ्लेक्शन होगा तो फिर जैसे ही अनलोड करेंगे वो वापस अपना रिसेप हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए इसमें हम स्ट्रेस एनालिसिस करते हैं, तो पहले तो हमको ये खोजना होगा कि इसमें जो लोड लगाएंगे तो स्ट्रेस का नेचर क्या होगा, क्या नॉर्मल स्ट्रेस डेवलप करेगा कि क्या सीयर स्ट्रेस डेवलप करेगा, है ना। तो यहाँ पर जो स्ट्रेस डेवलप करेगा वो सीयर स्ट्रेस डेवलप करेगा, क्यों, क्योंकि ये अभी क्वाइल्ड फॉर्म में है, और जब ये जब इस पर लोड लगाएंगे और ये अनक्वाइल होगा तो ये अनक्वाइल सीधे सीधे नहीं होगा, ये ट्विस्टेड मतलब ट्विस्टिंग करते हुए अनक्वाइल होगा, यानी इसके ऊपर क्या लगेगा, एक टॉर्सनल स्ट्रेस लगेगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर एक फिक्स किया हुआ है हुक है और यहाँ पर हम लोड लगाएंगे। तो सबसे पहला लोड अगर हम लगाएंगे तो ये जो सबसे बॉटम का क्वाइल है ये अगर मान लीजिए कि इसका एक तरह का ये एक कैंटिलीवर बीम की तरह हो गया, कि यहाँ पर ये जब इसके ऊपर लोड लगेगा तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पर डिफ्लेक्शन होगा इसका, है ना, यानी कि ये इसके अगेंस्ट जो है वो क्या करेगा, ये क्वाइल डिफ्लेक्ट करेगा। सिमिलरली ये ऊपर वाला क्वाइल जो है वो इसके अगेंस्ट डिफ्लेक्शन करेगा। तो ये क्या कर, इसके ऊपर एज ए की मतलब एक टॉर्क लग गया, और ऐसे भी ये क्वाइल जो है वो अनक्वाइल हो रहा है और ये स्ट्रेट हो रहा है धीरे धीरे लोड लगाने के बाद। तो जब ये अनक्वाइल हो रहा है तो ये पहले जो ट्विस्टेड फॉर्म है वो अनट्विस्ट हो रहा है, मतलब हो गया कि वो ऐंठाते हुए अनक्वाइल हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इसमें टॉर्सन का इफेक्ट है, जब हेलिकल क्वाइल स्प्रिंग के ऊपर अगर हम लोग एक लोड लगा दे तो इसमें एक टॉर्सन का इफेक्ट आ जाता है, और टॉर्सन के कारण जो है वायर में सीयर स्ट्रेस डेवलप करता है। तो इसीलिए यहाँ पर हेलिकल क्वाइल स्प्रिंग के ऊपर जब लोड एक्ट होगा तो इसमें जो स्ट्रेस डेवलप करेगा वो सीयर स्ट्रेस डेवलप करेगा। तो अब यहाँ पर सीयर टॉर्सनल सीयर स्ट्रेस की वैल्यू को हम कैसे निकालेंगे, तो टॉर्सनल इक्वेशन लगाएंगे। तो टॉर्सनल इक्वेशन में होता है टी बाई जे बराबर टाउ बाई आर, है ना। तो यहाँ से हमको ये सीयर स्ट्रेस की मान निकालना है, तो पहले टॉर्क क्या वैल्यू क्या हो जाएगा, तो टॉर्क बराबर होता है फोर्स है इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देखिए जैसा कि हम बताएं कि ये जो सबसे बॉटम पार्ट का जो ये क्वाइल है वो ये इसके अगेंस्ट वो अनक्वाइल होगा, तो इसके अगेंस्ट अनक्वाइल होगा तो यहाँ पर टॉर्क की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो लोड हो गया पी और इंटू इसका जो यहाँ से यहाँ तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो टोटल मीन क्वाइल डायमीटर है डी, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा डी बाय टू, है ना। तो यहाँ पर टॉर्क का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो टॉर्क का वैल्यू हो जाएगा जो लोड है वो इंटू डी बाय टू, ये हो गया। अच्छा इसके बाद टॉर्क निकल गया, अब यहाँ पर टाउ बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा टी इंटू आर बाय जे। अब ये आर आर क्या है,
आर है कि जो वायर है यहाँ पर, जैसे कि शियर स्ट्रेस डेवलप करेगा वो किस में डेवलप करेगा, वो यहाँ पर जो स्प्रिंग वायर है, तो मान लीजिए स्प्रिंग वायर के क्रॉस सेक्शन को अगर हम लोग इस तरह से एक आगे ड्रॉ करें, स्प्रिंग का क्रॉस सेक्शन सर्कुलर है, ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, तो इसमें जो टॉर्सन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो शियर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है टॉर्क में, तो ये टॉप फाइबर पर मैक्सिमम होता है और सेंटर पे जीरो होता है, ऐसा हम लोग पढ़े हैं। तो टॉर्सन में टॉप फाइबर पे जो वैल्यू होगा शियर स्ट्रेस का वो मैक्सिमम हो, यहाँ पर हम डिस्ट्रीब्यूशन भी दिखा दिए हैं कि ये क्रॉस सेक्शन है वायर का, और वायर के क्रॉस सेक्शन में जो शियर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो सेंटर पर देखिए जीरो है, इसके बाद इधर धीरे धीरे जैसे जैसे आउटर सरफेस की ओर जा रहे हैं इसकी वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ते जा रही है। सिमिलर केस इधर भी इसका क्या होगा, बढ़ते चला जाएगा, है ना, यानी कि शियर स्ट्रेस की मान यहाँ पर सेंटर पर जीरो होगा और टॉप फाइबर पे मैक्सिमम होगा। तो डिजाइन हम लोग जहाँ मैक्सिमम होगा उसी को कंसीडर करेंगे, तो यहाँ पर सर टॉप सरफेस पे मैक्सिमम है तो यहाँ पर ही हम कंसीडर करेंगे, तो यहाँ पर आर बराबर क्या हो जाएगा, अगर टोटल वायर का डायमीटर है स्मॉल डी तो आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, D/2, मतलब टॉप फाइबर यानी टॉप सरफेस का जो डिस्टेंस होगा सेंटर से वो, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, D/2। जे जे होता है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्सिया, तो यहाँ पर वायर का डायमीटर अगर डी है और ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का है तो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्सिया कितना हो जाएगा, π/32 × D^4, यही हो गया पोलर मोमेंट ऑफ इनर्सिया। तो अब हम लोग यहाँ से टॉर्सन इक्वेशन से लगा देंगे कि शियर स्ट्रेस बराबर क्या हो जाएगा, T×R/J, यानी कि T × R का मान D/2 और J π/32 × D^4, T का मान अभी निकाले हैं वो लोड इंटू रेडियल डिस्टेंस, P×D/2 और × D/2 ये वाला वैल्यू, और π/32 × D/4, फाइनली इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 8PD/π/d³, ये हो जाएगा शियर स्ट्रेस का मान। कौन सा शियर स्ट्रेस, टॉर्सनल शियर स्ट्रेस का मान ये हो गया, ठीक है, एक तो ये निकल गया। अब उसके बाद जो है यहाँ पर फिर हम वायर को देखते हैं, तो अब देखिए ये जितना ज्यादा स्ट्रेटन होते जाएगा, ये ज्यादा स्ट्रेट हो जाएगा, अगर पूरा स्ट्रेट हो गया तब लोड लगेगा, तब तो इसके ऊपर जो स्ट्रेस डेवलप करेगा वो नॉर्मल स्ट्रेस कर जाएगा डेवलप, लेकिन इतना तक हम लोग होने नहीं देते हैं, इतना तक में तब तो फिर ये स्प्रिंग रह ही नहीं गया। स्प्रिंग को हम लोग वहीं तक रखते हैं कि इसमें ये क्वाइल्ड फॉर्म में है और लोड लगाएं, इसमें डिफ्लेक्शन हुआ, लेकिन डिफ्लेक्शन होने के बाद भी ये एक क्वाइल का ही फॉर्म में है, तब उस समय भी इसका जो शेप है वो एक हेलिकल क्वाइल के जैसा ही है, तो वहीं तक हम स्प्रिंग एक्शन को मानते हैं, ठीक है। तो एक तो टॉर्सनल शियर स्ट्रेस का इफेक्ट होगा और दूसरा इफेक्ट ये होगा कि जैसे कि ये मान लीजिए कि एक एक क्वाइल है स्प्रिंग का, यहाँ पर एक क्वाइल है, ठीक है, तो ये स्प्रिंग वायर है, तो जब इसके ऊपर लोड लग रहा है, अगर मान लीजिए कि ये अगर ब्रेक करता है, तो ये मान लीजिए कि यहाँ से ये ब्रेक करता है, तो ये सरफेस वायर का, ये सरफेस और ये दोनों सरफेस, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर ऐसे शियर, इसके ऊपर ये क्या है, डायरेक्ट शियर एक्शन में भी है, स्प्रिंग का वायर जो है यहाँ पर एक डायरेक्ट शियर एक्शन में भी है और एक टॉर्सनल शियर में भी है। अब ये पूछेगा कि देखिए जितना क्वाइल हमारा ओपन होते जाएगा, ठीक है, उतना ही डायरेक्ट शियर का वैल्यू इफेक्ट जो होगा कम होगा, टॉर्सनल शियर का वैल्यू ज्यादा होगा। ऐसे भी हेलिकल क्वाइल में मोस्ट इफेक्ट जो होता है वो आपको टॉर्सनल शियर का ही होता है, डायरेक्ट शियर इसमें कम लगती है ना, फिर भी कुछ तो लगता है, तो हमको तो कंसीडर करना होगा दोनों को, क्योंकि फाइनल जो इसके ऊपर स्ट्रेस होगा वो टॉर्सन से भी आएगा और डायरेक्ट शियर से भी आएगा, क्योंकि
ये लोड लगने के कारण ये वायर जो है वो हर वायर का हर एक क्रॉस सेक्शन जो है वो भी एक डायरेक्ट शियर में है, यानी कि उसका एक वायर मतलब का के ऊपर नीचे लग रहा है तो उसका जस्ट एडजेसेंट क्रॉस सेक्शन के ऊपर जो रिएक्शन है वो ऊपर की ओर है, और ये दोनों ही क्रॉस सेक्शन अंडर शियर में है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट शियर को भी कंसीडर करेंगे। तो डायरेक्ट शियर निकालने का तो सिंपल तरीका है कि अगर यहाँ पर अगर ये फेल करता है तो यहाँ पर शियर क्रॉस सेक्शन हमको यही वाला दिखेगा। अगर मान लीजिए कि वायर अगर टूट जाता है स्प्रिंग का, तो जो क्रॉस सेक्शन दिखेगा वो उस वायर का इसी सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ही दिखेगा। तो यहाँ पर शियर एरिया क्या हो जाएगा, पाई बाय 4 d² ही हो जाएगा, ये पाई बाय 4 d² ही हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर डायरेक्ट शियर का मान निकालेंगे तो यहाँ पर जितना लोड है और बाय पाई बाय 4 d², यानी कि tau 2 का जो मान है या 4 p/π d², तो ये डायरेक्ट शियर हो गया। और एक अभी हम लोग टॉर्सनल शियर का मान निकाले हैं, वो है 8 p/π d³। तो डायरेक्ट शियर का देखिए यहाँ पर इफेक्ट क्या है, तो ये एक क्रॉस सेक्शन है और इसमें जो है हर एक पॉइंट पर जो है शियर का स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगा, सेम होगा, ये डायरेक्ट शियर हो गया। तो दोनों का इफेक्ट होगा। तो यहाँ पर अब हम लोग मतलब रिजल्टेंट लेंगे, है ना, रिजल्टेंट लेंगे तो दोनों का सुपर इम्पोजिशन होगा, इसीलिए यहाँ पर रिजल्टेंट स्ट्रेस जो है कंसिस्ट ऑफ सुपर इम्पोजिशन ऑफ टॉर्सनल शियर स्ट्रेस एंड डायरेक्ट शियर स्ट्रेस, दोनों का सुपर इम्पोजिशन इन दोनों का समेशन हो जाएगा। तो tau 1 हमारा टॉर्सनल शियर स्ट्रेस है और tau 2 क्या है, डायरेक्ट शियर स्ट्रेस है। तो रिजल्टेंट स्ट्रेस क्या हो जाएगा, दोनों का समेशन हो जाएगा। तो दोनों का समेशन हो गया तो इसका वैल्यू 8 p/π d³ और इसका वैल्यू 4 p/π d² है ना। इसमें से हम क्या किए हैं, 8 p/π d³ को कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब प्लस देखिए यहाँ पर 8 बाहर आया है, यहाँ पर 4 ही है तो बाई में 2 चला जाएगा, और p तो यहाँ है ही, यहाँ d लिए हैं कॉमन, इसमें इस टर्म में d है ही नहीं, तो d भी बाई में आ गया, और यहाँ पर π d³ है, यहाँ पर π d² है, तो 1 d ऊपर कर दिए। मतलब फाइनली इसको अगर हम लोग ब्रैकेट को तोड़ के सॉल्व करेंगे तो ये हमको इतना ही वैल्यू आ जाएगा। तो इस तरह से रिजल्टेंट शियर स्ट्रेस का मान आया 8 p/π d³ × 1 + d/2 d। तो इस टर्म को हम लोग यहाँ पर एक फैक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं जो है ये ks। यहाँ पर ks जो है ये डायरेक्ट शियर, देखिए चूंकि अगर ये मान लीजिए कि अगर ये वायर पूरा, ये क्वाइल पूरा इस तरह का रहता, ठीक है, प्योर सीधा रहता, और उस समय एक लोड इधर और ये एक लोड इधर लगता, तो ये प्योर डायरेक्ट में होता। यहाँ पर जो है प्योर डायरेक्ट शियर स्ट्रेस हो गया इसका, है ना। लेकिन यहाँ पर वायर जो है एक क्वाइल के रूप में है और क्वाइल एक हेलिक्स एंगल पे होता है, तो इसीलिए कहीं ना कहीं मतलब जो डायरेक्ट शियर का जो इफेक्ट है वो एक फैक्टर के रूप में होगा। तो इसीलिए यहाँ पर के एस को हम लोग जो वैल्यू है ये के एस जो है ये एक फैक्टर कहलाता है, जो कि डायरेक्ट शियर स्ट्रेस को अकाउंट करने के लिए ये एक फैक्टर लिया जाता है, क्योंकि ये प्योर शियर नहीं है, प्योर डायरेक्ट शियर नहीं है, इसीलिए इसको एक फैक्टर से हम मल्टीप्लाई करते हैं, उसको हम के एस हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्वाइल का क्या है, मतलब ये हेलिकल फॉर्म में है, हेलिकल फॉर्म में है तो इसका शेप जो है वो लगातार एब्रप्ट चेंजेज में है। तो अब प्लस में इस स्प्रिंग का यूज हम लोग इम्पैक्ट लोड, शॉक, वाइब्रेशन, फ्लक्चुएटिंग लोड, इन सब को कैरी करने के लिए करते हैं। तो इसमें हमको स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर लेना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि ये स्प्रिंग का यूज हम लोग फ्लक्चुएटिंग लोड को कैरी करने के लिए हम यूज करते हैं, और जानते ही हैं कि जहां फ्लक्चुएटिंग लोड लगेगा तो वहां पर स्ट्रेस कंसंट्रेशन का जो रोल होता है वो काफी बढ़ जाता है।
अगर हम वहां स्ट्रेस कंसंट्रेशन को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं स्टैटिक लोड के लिए, बट फ्लक्चुएटिंग लोड के लिए उसको हमें कंसीडर करना ही पड़ेगा। तो अगर हम इस स्प्रिंग एक्शन स्प्रिंग का अगर हम स्ट्रेस कंसंट्रेशन को अगर हम कंसीडर करते हैं, तो जो स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर है यहाँ पर केसी मान लेते हैं, उसको भी लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो अब रिजल्टेंट स्ट्रेस जो हो जाएगा वो हो जाएगा केसी इंटू के एस इंटू 8 PD बाय पाई डी क्यू। तो अब जो ये स्ट्रेस का वैल्यू आया है वो हमारा दोनों ही फैक्टर को कंसीडर करने के बाद, एक एक स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर और दूसरा जो हम लोग डायरेक्ट सीयर स्ट्रेस का के लिए हम फैक्टर लिए, इन दोनों को हम लोग एक सिंपल फैक्टर के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। के बराबर के सी इंटू के एस होता है और इसको हम लोग इसको जो है ये कहा जाता है वाल फैक्टर। इन दोनों फैक्टर को जब हम कंसीडर करके यानी दोनों का जो प्रोडक्ट है उसको हम लोग एक के से रिप्रेजेंट करते हैं, ये के जो है वो कहलाता है वाल फैक्टर, WAHL वाल फैक्टर, या सिंपल इसको स्ट्रेस फैक्टर भी कहते हैं। तो अब फाइनल हमारा जो रिजल्टेंट स्ट्रेस सियर स्ट्रेस जो हेलिकल कॉइल स्प्रिंग के ऊपर लगेगा वो टाउ बराबर हो जाएगा के 8 PD बाय पाई डी क्यू। तो ये के वाल फैक्टर हो गया। वाल फैक्टर को निकालने का फॉर्मूला है के बराबर 4C-1 बाय 4C-4 प्लस 0.615 बाय सी। यहाँ पर सी क्या है, तो स्प्रिंग इंडेक्स है, यानी कि ये डी बाय डी का रेशियो है। तो इस फॉर्मूला के यूज करके पहले हम लोग क्या निकालेंगे, के का वैल्यू निकालेंगे यानी वाल फैक्टर का मान निकालेंगे, और फिर इस फैक्टर की वैल्यू को हम यहाँ पुट करके और तब जो सियर स्ट्रेस है स्प्रिंग कॉइल के ऊपर वो हम फाइनल रिजल्टेंट रिजल्टेंट सियर स्ट्रेस बोले इसको, इसको रिजल्टेंट सियर स्ट्रेस बोलिए चाहे मैक्सिमम सियर स्ट्रेस बोलिए, है ना, वो वैल्यू है हमारा कि एक स्प्रिंग कॉइल के ऊपर जो दोनों को इम्पोज करके बना है, डायरेक्ट को भी और टॉर्सन को भी। तो इसीलिए ये एक मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सियर स्ट्रेस हो गया और इसी इसी के वैल्यू पर डिजाइन होगा, यानी कि यही टाउ का जो वैल्यू है वो अपना यील्ड लिमिट से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। अगर ये छोटा है तो फिर ये स्प्रिंग क्या है, वो सेफ है। तो ये फॉर्मूला आ गया हमको मैक्सिमम सियर स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन द स्प्रिंग कॉइल। इसके बाद जो है, हाँ, अब अगर कभी कभी क्या दे देता है कि क्वाइल का लेंथ पूछ देता है, है ना, तो एक क्वाइल का लेंथ कितना होगा, जैसे कि एक क्वाइल है यहाँ पर, तो जितना इसका मीन डायमीटर अगर यहाँ पर कैपिटल डी है तो इस क्वाइल का जो पेरीमीटर होगा, इस क्वाइल का जो पेरीमीटर होगा उतना ही वायर का लंबाई होगा। तो लेंथ ऑफ वन क्वाइल, एक क्वाइल का जो लंबाई होगा वो पाई इंटू डी होता है, और एन अगर नंबर ऑफ एक्टिव क्वाइल है तो टोटल लेंथ जो होगा वो इक्विवेलेंट बार का जो टोटल लेंथ होगा वो पाई डी एन के बराबर होता है। डी मीन क्वाइल डायमीटर, एन नंबर ऑफ एक्टिव क्वाइल, ठीक है। तो यहाँ पर हम सियर स्ट्रेस की मान हम लोग निकाल लिए, है ना। उसके बाद यहाँ पर अब चूंकि यहाँ जैसा हम देखें कि स्प्रिंग वायर जो है वो अंडर टॉर्सन में है, यानी टॉर्सन इफेक्ट है, तो टॉर्सन इफेक्ट है तो वो वायर ट्विस्ट करेगा, और ट्विस्ट करेगा तो ट्विस्टिंग में भी उसकी लिमिटिंग कैपेसिटी है, ज्यादा ट्विस्ट कर गया तो वो वायर जो है रैप कर जाएगा, तो फिर वो फेल्योर माना जाएगा, फिर वो स्प्रिंग नहीं रहेगा। तो हम निकालते हैं कि उस लोड के कारण इसके ऊपर एंगल ऑफ ट्विस्ट कितना आएगा। तो फिर हम लोग यहाँ पर टॉर्सनल इक्वेशन लगाते हैं, तो टॉर्सनल इक्वेशन होता है ना, टी बाय जे बराबर जी थीटा बाय एल बराबर होता है टाउ बाय आर, ये टॉर्सनल इक्वेशन हो गया। तो पहले हम इन दोनों टर्म को इक्विवेलेंट करके हम मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकाल लिए, अब हमको ट्विस्ट निकालना है तो इस दोनों को हम लोग इक्विवेलेंट करते हैं। तो टी बाय जे बराबर जी थीटा बाय एल, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टी एल बाय जी जे, है ना। टी का मान हम लोग निकाले हैं, लोड इंटू रेडियल डिस्टेंस, पी इंटू डी बाय टू,
इनटू एल, एल है हमारा लेंथ ऑफ क्वाइल, तो टोटल लेंथ यहाँ पर पाई डी एन हो गया, एन अगर एक्टिव क्वाइल की लेंथ संख्या है तो पाई डी एन टोटल बार का क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा, तो यहाँ टी इंटू एल बाई जी, और जे है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पाई बाई 32 इंटू डी के पावर 4। यहाँ से थीटा की मान को हम लोग निकालते हैं तो वो फॉर्मूला आ जाता है 16 पी डी स्क्वायर बाय एन बाय जी डी के पावर 4। तो ये हो गया एंगल ऑफ ट्विस्ट इन स्प्रिंग वायर। तो ये भी अपना जो परमिसिबल वैल्यू है या लिमिटिंग वैल्यू है उससे ये छोटा होना चाहिए, तो फिर ये सेफ है। यहाँ पर जो ये थीटा है वो एंगल ऑफ ट्विस्ट रेडियन में है, ये इसका यूनिट किस में है, ये रेडियन में, डिग्री में नहीं। और जी यहाँ पर क्या है, तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है। तो इस प्रकार से हम जब भी स्प्रिंग वायर का डिजाइन करेंगे तो उसको हमें शियर स्ट्रेस तो चेक करना ही है कि वो लिमिटिंग वैल्यू के अंडर है कि नहीं है, और साथ ही जो है उसमें हमें एंगल ऑफ ट्विस्ट को भी निकालना होगा, और वो भी देखना होगा कि वो परमिसिबल जो वैल्यू है वो उसके अंडर में है या नहीं है। तो अगर दोनों में ही सेफ है तब जा करके वो स्प्रिंग सेफ है, अगर दोनों में से एक में भी अगर वो लिमिट क्रॉस कर रहा है तो वो फेल्योर माना जाएगा।